कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। सर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया था उसके बाद जिस तरीके से आप लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि महिलाओं का वोट होगा? कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो असत्य भाषण करते हैं। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे, उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया, तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा साफ होने वाला है मध्य प्रदेश में। सर, महिला आरक्षण के बाद ओबीसी और जातीय जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, उनका समर्थन कर रही है? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो देश को विभाजित करने की मानसिकता से ओतप्रोत है। सर, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप ही होंगे अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो कहे वो करना चाहिए, इस सिद्धांत को मानता हूँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सर, बीजेपी ने तमाम मंत्रियों को उतारा है, एमपी को उतारा है, कांग्रेस का कहना है क्योंकि थोड़ी डरी हुई है बीजेपी, इस कारण दिग्गज नेताओं को उतारा गया है चुनाव में? कांग्रेस अपना डर